Assalamualaikum students. आज के इस क्लिप में हम शॉर्ट से क्लिप में ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे. इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर आगे फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक. ऑब्जेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन. इसका सिंपली ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब हो. ये देखना कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होता है. अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. एग्जाम्पल से हम इसको क्लैरिटी इसमें लाते हैं. और दूसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट आर होम. ऑब्जेक्ट की हमें कैसे समझ आएगी कि हम, पहली बात तो यह है कि हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब है या नहीं है. अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब है तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है. उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रेस कैसे करेंगे, वो जो एक्शन वर्ब होगा उसके बाद हम लगाएंगे व्हाट या हूम, इन दो का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल, असलम इज आर प्रिंसिपल. असलम इज आर प्रिंसिपल. आप इसमें देखें कि ये जो प्रिंसिपल है क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है. सबसे पहले देखें कि इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब है. इसमें वर्ब कौन कौन से हैं? इज जिसमें एक वर्ब है, इज जो है वो एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, लिहाजा प्रिंसिपल इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है. यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब है या नहीं है. अब इसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. आगे एग्जांपल देखें. आई लाइक माय कंट्री. अब इसमें देखें कंट्री जो है इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है. एक्शन वर्ब इसमें देखेंगे, इसमें लाइक जो है वो क्या है, एक्शन वर्ब है. ये जो एक्शन वर्ब है इसके बाद हमने दो चीजें लगानी है, या तो हम इसके बाद व्हाट लगाएं या हूम लगाएं. इनका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. आई लाइक व्हाट, यहां पे अगर हम व्हाट लगाते हैं, आई लाइक व्हाट, तो इसका आंसर क्या आता है, कंट्री व्हाट का आंसर है, लिहाजा ये क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट है. दूसरी एग्जांपल देखें कि पाकिस्तान इज माय कंट्री. फिर सेम वही वाला वर्ड कंट्री जो है मैंने इस सेंटेंस में यूज किया, और इसमें देखें कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है. कि पाकिस्तान इज माय कंट्री, इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब है या नहीं है. तो इसमें हम वर्ब को देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड जो है वो वर्ब है. इसमें इज जो है ये वर्ब है और इसमें कोई वर्ब नहीं है. इज एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है. इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, लिहाजा कंट्री इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. इसमें ये इसका जो ग्रामेटिकली फंक्शन है, इसकी जो ग्रामेटिकली क्लास है कंट्री की, वो कुछ और है. हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखें कि ही रन्स अ शॉप. अब इसमें देखें एक्शन वर्ब है या नहीं है. रन जो है वो एक दुकान चलाता है, ही रन्स अ शॉप. ही रन्स व्हाट, अगर हम यहाँ पे व्हाट लगाते हैं इस एक्शन वर्ब के बाद, तो इसका आंसर क्या आता है, अ शॉप. He runs what? A shop. तो ये यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. आई थिंक आपको टू सम एक्सटेंट इसकी समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं. हम सेंटेंस में देखेंगे कि एक्शन वर्ब है या नहीं है. और दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं कि जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो उसमें ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है. नहीं, फर्दर आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैंने ये कहा कि जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होगा उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, होता नहीं है,
हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, आगे देखेंगे। अब इसमें दो और चीजें हैं, ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट्स आंसर ऑफ व्हाट, इट्स द आंसर ऑफ व्हाट, ये व्हाट का आंसर होता है, ये ऊपर जो हमने लिखा था आंसर ऑफ व्हाट आर। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो किसका आंसर होगा, वो व्हाट का आंसर होगा। और जनरली जो है ये कोई ना कोई चीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर गॉट पोजिशन। अब ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमने देखा इसमें एक्शन वर्ब है या नहीं, गॉट इसमें एक्शन वर्ब है। माई ब्रदर गॉट व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आता है जनाब, व्हाट का आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स पोजिशन, लिहाजा ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये जी ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका आंसर है ये, व्हाट का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि आई लाइक फ्रूट। अब इसमें देखें आई लाइक व्हाट क्या आंसर आता है, फ्रूट, ये नेम ऑफ थिंग है, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, चीज का नाम है, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है। नेक्स्ट देखें, इसी में एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएगा एंड पे, ये जरूर इसको आप नोट करना। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इट्स द आंसर ऑफ हुम, ये हुम का आंसर होगा, किसको, हुम किसे, ये जनरली कोई ना कोई पर्सन होता है। अब इसमें देखें कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब ये क्वेश्चन कहां पे जनरेट होता है, क्वेश्चन यहां ये पैदा होता है, दिस क्वेश्चन अराइजेस व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। अब इस सेंटेंस में देखें ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब एक्शन वर्ब सबसे पहले देखेंगे, टोल्ड इसमें एक्शन वर्ब है, ठीक है, और ये भी याद रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब का होता है। ही टोल्ड व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है, स्टोरी, तो ये है ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस टोल्ड के बाद आप लगाए हुम, ही टोल्ड हुम अ स्टोरी, किसको, हुम का आंसर क्या आता है, मी, तो ये कौन सा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए ये पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहा था, जनरली ये पर्सन। नेक्स्ट देखें, ही गेव मी अ लैपटॉप। ही गेव मी या ही गेव व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आता है, लैपटॉप, इट्स अ थिंग, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ही गेव हुम, किसको दिया, हुम का आंसर क्या आता है, मी, ये भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक दिया गया है और वो है भी पर्सन, तो आया वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अब ये एग्जांपल देखें, आई नो हिम। अब देखें ये एक्शन वर्ब है, आई नो व्हाट, कोई चीज तो इसमें आंसर नहीं आ रहा, इसको जरा आप नोट करें। अब देखें आई नो व्हाट, व्हाट का आंसर तो कोई ना कोई चीज होती है, आई नो हुम, हुम का आंसर है, तो ये फिर कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए ना, हुम का आंसर जो है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन ये याद रखें, अगर एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और वो कोई पर्सन है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें इस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, हिम, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा है, ये डायरेक्ट है। ही पब्लिश्ड अ बुक, ही पब्लिश्ड व्हाट, क्या आंसर आता है, बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, चैनल, ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
अब देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर एक सेंटेंस है और उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। व्हाट का आंसर डायरेक्ट होगा, हुम का आंसर इनडायरेक्ट होगा। अगर एक सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और वो ऑब्जेक्ट जो है व्हाट का आंसर नहीं है, वो कोई पर्सन है, तो वो हमेशा कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो सेक्शन को रिसीव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि इसको समझे, मैंने बड़े इनफॉर्मली तरीके से जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कुछ क्रास हमने लगाए थे, ये देखें ये लगा हुआ है, ये है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, यानी कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। फिर हम देखेंगे कि और ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, एक और भी ऑब्जेक्ट की टाइप है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि ये जो क्लिप्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये मुख्तसर हों ताकि कम वक्त में आप एक रियल कॉन्सेप्ट जो है उसको आप परसीव कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।